रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वत मालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है, इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है, इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वो सही सलामत सैंटियागो में पहुँच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है, लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर है। अब क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो अपनी लोकेशन का रफ आंकलन करता रहा। और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर ATC से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। ATC ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। ATC भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, तो ATC ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थीं वो यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय वो कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली हैं। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपके रूह तक कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नांदो पराडो, जिसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। और बाई चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था।
देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट लें, कल तो उन्हें कोई न कोई बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत भयानक थी क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई न कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं। लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूट केसेज से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए लेकिन अफसोस कि किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं, मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नांदो पराडो कोमा से जाग उठता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी माँ खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही, प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है, सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नांदो पराडो की बहन भी जीवन की लड़ाई को हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। और उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल्स को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे, इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने के बाद खोज कर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी वो भी टूट चुकी है। अब उनको पता है कि यहां पर मौत निश्चित है, अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं किया, जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जिनके साथ वो कभी खेले कूदे उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपनी दम तोड़ देते हैं। और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे, इस वजह से उन 3 ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए।
और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नज़र प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकाल कर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दल को बुला सकें। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान कनेसा, पराडो और विजेंटेन बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि वो 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था, तो ये दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ पर चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें 4th दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से विजेंटिन वापस लौट जाता है और पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नांदो पराडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इन्फॉर्मेशन को साझा किया, और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी, लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वाइवल की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो 438 दिनों तक गहरे समुद्र में फंसा रहा। बीच पैसिफिक ओशियन में एक छोटी सी नाव उसका घर थी, खुला आसमान जिसके नीचे उसे दोपहर की तेज धूप और रात की ठंडी को सहना था। एक अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिन यानी 14.5 महीनों तक अकेला मदद की आस लगाए भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। इस कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।